जब मैं बहुत छोटी थी, मैं समझती मैं 7 साल की थी, तो उस समय दादी जानकी ने हमारा बर्थडे सेंटर पर सेलिब्रेट किया था। बहुत छोटा सा सेंटर था, परंतु दादी ने हमारे संबंधियों को भी सबको बुलाया था। माताजी, ग्रैंड मदर सब थे और बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्यार से सेलिब्रेशन किया। तो मैं क्या सोचती हूँ कि आप लोग जिस सेंटर पर जाते हो, आप लोग भी वहाँ की बहन को ज़रूर कहना कि एक छोटा सा ही आपके परिवार का ही संगठन भल हो। बड़ा संगठन की ज़रूरत नहीं है, परंतु छोटे संगठन में भी आपका बर्थडे ज़रूर मनाए। क्यों? क्योंकि फिर संबंधियों को चांस होता है बाबा के घर आने का, तो उससे उनके भी मौका बनता है, उनका भाग्य खुलता है। हो सकता है वो भी बाबा के बच्चे बन जाए, क्योंकि यहाँ लंदन में कई बारी ऐसी ही हुआ है, बर्थडे के निमित्त कारण कहाँ ना कहाँ बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका बनता है, आपके लिए भी खुशी की बात, परंतु वो आपका बर्थडे सेंटर पर मनाने आते हैं तो भी बहुत अच्छी बात हो जाती। और दूसरी बात मुझे याद आती कि वही वर्ष था, ये बहुत बहुत समय पहले की बात है, आप शायद न सिर्फ इस शरीर से पहले वाले शरीर में होंगे, परंतु उससे भी पहले शायद और एक शरीर में होंगे, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ 1957 की बात। और बगीचे में बच्चों का क्लास चलता था, क्योंकि सेंटर बहुत छोटा था, परंतु बगीचे में क्लास चलते फिर दादी आती थी हम लोगों से मिलने। करीब हम 8-10 बच्चे थे, बहुत ज़्यादा संख्या भी नहीं थी, परंतु उनों के साथ जब दादी आकर के मिलती थी तो हम लोगों के साथ बहुत प्यार की बातें करती थी। तो मुझे याद आता कि बच्चों के क्लास से भी, वो जो बच्चों का क्लास था उसमें मैं आज यहाँ हाजिर हूँ, और एक भाई है जो अभी कनाडा में है, वो भी उस घड़ी उस समय हाजिर था। और वो भी वंडरफुल कहानी है, क्योंकि वो भाई, जब मैं तो लंदन आ गई वो बर्थडे मनाने के बाद, उसी वर्ष में 1957, लॉन्ग 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 टाइम अगो, तो मैं फिर आ गई लंदन में पेरेंट्स के साथ। और वो बच्चा, वो बेटा, उसका तो मुझे पता ही नहीं था कहाँ गया, और न मैंने कोशिश की किसी के साथ कांटेक्ट करने की, सब बच्चे बिखर गए अपने अपने स्थानों पर। परंतु कौन सा वर्ष था, 1975 दिसंबर 6 तारीख, मैं एक बहुत दूर के देश में पहुंची। आपने शायद कभी मैप देखा होगा, परंतु वो स्थान का नाम है गायाना, साउथ अमेरिका। देखा है कभी किसने मैप पर? छोटा सा देश है गायाना, साउथ अमेरिका। तो वहां पर मैं पहुंची, क्योंकि बहुत सुंदर निमंत्रण मिला था। और जो वहां पर मेरी होस्ट थी, वो थी एक मिनिस्टर की वाइफ, कैबिनेट मिनिस्टर की वाइफ। तो उसने मुझे बुलाया, बताया जब हम उसके घर पहुंचे, वो एयरपोर्ट पर मिलने आई थी, तो मुझे फिर अपने घर ले चली। तो मुझे कहा कि तुम्हारे पहचान वाला कोई यहाँ है। मैंने सोचा कि इतना दूर देश में पहचान वाला कौन होगा, तो उसको नाम याद नहीं था। फिर वो भाई, उसको टाइम दिया था, तो वो भाई फिर उस समय मिलने के लिए आया, और फिर तो हमने पहचान लिया, क्योंकि छोटा था बड़ा हुआ कोई इतना फर्क तो चेहरे में नहीं पड़ा था। परंतु वो भाई भी दादी के क्लास में उस समय आते थे, और फिर अभी उसका बिजनेस था गयाना में, अपना दुकान वगैरह शुरू किया था, और वहां पर वो काम करता था। और उसने अखबार में देखा मेरा फोटो और नाम, तो आप सोचो कि वो भाई फिर जैसे ही संपर्क में आया, फिर उसने, मैं समझती, मेरा प्रोग्राम बनाया एक और देश में,
फिर दूसरा प्रोग्राम बनाया एक और देश में, दो देशों में प्रोग्राम बनाया, और फिर जहां वो ओरिजिनली रहता था कनाडा में, वहां पर बहनों को बुला करके कुछ बाबा के कार्य को आरंभ किया। तो अब आप सब छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ भी अभी आप सीख रहे हो, बाबा आपके अंदर वो बीज डाल रहा है। आगे चलकर क्या मालूम कौन किस देश में जाकर सेवा करेगा, कौन किस प्रांत में सेवा करेगा, परंतु आपके द्वारा बाबा बहुत उम्मीद रखते हैं बहुत कुछ सेवा कराने के लिए, अभी भी और फिर भविष्य में भी। दादी गुलजार बताती है अपनी कहानी। वो जब 8 साल की थी, उन्होंने अभी तक विश्व का नक्शा भी अभी तक नहीं देखा था, परंतु बाबा ने उनको कहा कि विश्व की सेवा होंगी आप बच्चों के द्वारा। तो विश्व क्या है कुछ मालूम भी नहीं था, परंतु जब अभी नक्शा देखती थी तो कहती थी कि हाँ सचमुच बाबा ने जो हमारे में उम्मीदें रखी उस अनुसार बाबा ने बहुत कुछ सेवा कराई, तो बहुत बहुत उसमें फायदा हो गया।